हेलो स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल कुमार। लास्ट वीडियो मैंने सेक्शन 100 तक आपको बता दिया था, 196 से 100 तक। अब हम बात करते हैं 101, सेक्शन 101 के बारे में। सेक्शन 101 में यह दिया गया है कि किन स्थितियों में आप शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज़ नहीं कर सकते, अगर युक्ति की आशंका नहीं है। सेक्शन 100 में डेथ, मृत्यु, व्यापरण, अपहरण, सदस्य पर विरोध दिया गया था। उनमें आप अगर युक्ति की आशंका नहीं है तो आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति को हत्या कारित नहीं कर सकते। लेकिन बट सेक्शन 99, इसमें थोड़ा एक एक्सेप्शन दिया गया है। सेक्शन 99 की अगर कंडीशन वो फुलफिल करता है जो एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं, दो कंडीशन एक्सप्लेनेशन फुल की डिमांड्स करता है कि वो कि आप मुझे आई कार्ड दिखाइए अगर आपके पास सर्च वारंट है, और वो नहीं दिखाता है तो आप उसकी प्ली ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 102। सेक्शन 102 में यह दिया गया है कि आरपीडी स्टार्ट कब होती है, मतलब उस प्रारंभ स्टार्टिंग कब हो जाती है शुरू। इसकी स्टार्टिंग तभी स्टार्टिंग हो जाती है शुरू जब आपको लग रहा है कि या तो अटैम्प्ट आपके ऊपर होने वाला है या फिर आपको थ्रेट दी जाने वाली है। थ्रेट भी मतलब धमकी दी जाने वाली है या फिर अटैम्प्ट होने वाला है, तब आप आरपीडी का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सेक्शन 103, जिसमें प्रॉपर्टी से संबंधित आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार आप में दिया गया है, बचाव कर सकते हैं अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। वो किस किस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन आपकी रॉबरी मतलब लूट। मान लीजिए दो आप गाड़ी में जा रहे हैं और तीन लोग आपको गाड़ी आपकी रोक ली, उन्होंने आपको गन पॉइंट पर लेकर आपके जो आप कुछ बैग में कुछ जेवरात या कुछ पैसे ले जा रहे थे वो आपसे लूटने की कोशिश करते हैं। और मान लीजिए आपके पास आपकी लाइसेंसी हथियार हो, आप अपने लाइसेंसी हथियार से अपना बचाव करने के लिए कि हमारे 5 लाख की लूट ये लोग करने वाले थे, जब आपको पुलिस आएगी, पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले जब आपको उन्हें बताएंगे कि हमने अपनी आरपीडी यूज़ की, आरपीडी क्योंकि हमारे साथ लूट होने वाली थी, हमने अपनी संपत्ति को बचाया। जरूरी नहीं है गाड़ी में जा रहे हैं आप अपने घर में, कोई रात को अपने घर में आपके घर में घुसता है, इसके सेकेंड एसेंशियल से आपका इसका रात्रोवेदन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउस ब्रेकिंग नाइट सेक्शन 446 में दिया गया है। सेक्शन 446 में क्या दिया गया है कि सूर्योदय छिपने के बाद और सूर्योदय उदय होने से पहले जो आपके घर में एंट्री करेगा, मैकेनिक मतलब रात नाइट में आपके घर में एंट्री करेगा और इलीगल तरीके से आपके घर में एंट्री करेगा और आपकी संपत्ति कुछ लूट से संबंधित है जो भी, तो आप वहाँ पर अपना आरपीडी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब आप उसे उसकी हत्याकारी तक कर सकते हैं और आप प्ले ले सकते हैं कि मैंने अपने संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए मुझे सेक्शन 103 के सेकंड एसेंशियल्स में मुझे बचाव दिया गया और मैं उस बचाव का यूज़ कर अपने संपत्ति को मैंने बचाया। अब थर्ड इसका इंग्रेडिएंट्स है, थर्ड अग्नि द्वारा रिष्टि आपकी प्रॉपर्टी को, जैसे मान लो आप कोई निर्माण है या फिर आपने कोई टेंट लगा रखा है या तंबू, या फिर मान लो नेवीज़ के प्लेन को कोई जलाने की कोशिश कर रहा है, पता है कि हाँ कोई व्यक्ति सामने से कोई विस्फोटक पदार्थ ला रहा है, तो आप और आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट हो सकता है, यहाँ पर प्रयत्न वो कर रहा है कि हमारे जलियान को जला दे, आप उसके जलियान आपने जलियान को जलाने से पहले आप उसकी हत्या कारित कर सकते हैं। सेक्शन 103 के थर्ड एसेंशियल्स में यह दिया गया है। अब बात आती है सेक्शन 103 की फोर्थ एसेंशियल्स क्या कहता है, थेफ्ट हुआ या फिर आपका हाउस ट्रेसपास हुआ, ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको युक्तियुक्त आशंका, आपको लग रहा है कि हाँ हमारे ऊपर ऐसा हमला होने वाला है जिससे हमारी घोर उपत्ति ग्रेवियसर्ट या फिर डेथ की कंडीशन बनने वाली है, तो वहाँ पर आप इन चोरी वाले मामले में और गृह जो आपका हाउस ट्रेसपास है इन मामलों में भी आप अपने बचाव में सेक्शन 103 की फोर एसेंशियल्स में अपने बचाव के लिए प्ली ले सकते हैं कि हमारे ऊपर मृत्यु की आशंका थी, युक्तियुक्त आशंका थी, इसलिए हमने अपने आप को बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, घर में घुसने से बचाने के लिए, घर में एंट्री करने के बाद संपत्ति को बचाने के लिए हमने इस व्यक्ति की हत्या कारित की, या फिर आपने उस हत्या कारित में न करी तो आपने इतना पीट दिया या फिर जो कुछ उसे हार्मफुल कर दिया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा पाए। अब बात आती है सेक्शन 104 में भी यही, जैसे 101 में मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंडीशन में वो
जब आपको युक्ति का शंका ना लग रही हो संपत्ति की, ये आपको लग रही, आप मान लीजिए आपको कोई युक्ति युक्ता का शंका लग नहीं रही, लूट की ऐसी और आपने बगैर बात की अपनी इच्छा पूर्वक सामने वाले को मार दिया, तो उसमें आप गिरफ्तार हो जाएंगे। युक्ति युक्त आशंका की होना बहुत जरूरी है, और युक्ति युक्त आशंका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये तथ्य का प्रश्न है। जब कोई घटना घटती है या तब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात आती है, जब कोर्ट में बात आती है तब हम इसका प्ले ले सकते हैं। अब इसमें भी वही बात है, सेक्शन 104 में अगर सेक्शन 99 की कोई कंडीशन आ रही है, आप डिमांड्स कर रहे हैं, आप लोक सेवक है, आपके पास लोक सेवा आया, कह रहे हैं कि वो आपसे अपने वो दिखाइए, घर की तलाशी लेनी है, आप कहेंगे कि आप लोक सेवक है तो आप हम आई कार्ड दिखाइए, आप डिमांड्स कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास करने के लिए तो वो आई कार्ड लाएगा ना, या सर्च वारंट लाएगा, अगर किसी चीज़ की सर्च करेगा तो वहाँ पर वो अपनी RPD का आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है सेक्शन 105 में, जैसे बॉडी से रिलेटेड कब स्टार्ट होता है RPD यूज़, कब स्टार्ट हो जाती है हमारी, इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी 105 में दिया गया कि कब स्टार्ट हो जाती है, जब आपको अटैम्प्ट या थ्रेड दी जा रही हो, ये रिलेटेड आपका उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है RPD यूज़ करना। अब बात आती है सेक्शन 106 में क्या दिया गया है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। कहने का मतलब मैं आपको एक एसेंशियल बताता हूँ, कैब पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का यूज नहीं कर सकता, तब वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे बच्चों शिशुओं को जोखिम उठाए बिना गोली चला नहीं सकता, उसकी मजबूरी है कि वो उन पर गोली चलाए बिना अपने आपको बचा नहीं सकता, इसलिए वह उन शिशुओं में से किसी को अगर मार देता है तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि वो उसने अपने बचाव में RPD यूज़ किया कि घातक हमले को उस आशंका थी कि मेरे पर घातक हमला होने वाला है, इसलिए अगर मैं गोली नहीं चलाऊंगा तो वे लोग मुझे मार देंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनमें शिशु बच्चे भी हैं, अब शिशु बच्चे अगर उसे पता भी है कि छोटे छोटे शिशु बच्चे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसे घातक हमले की आशंका है, क्योंकि सामने वाले लोग जो होते हैं बहुत लोग ऐसे चालाक होते हैं कि वो चाहते हैं कि छोटे बच्चों को आगे कर दें जिससे कि हम उस व्यक्ति को हानि पहुंचा सकते हैं, तो वो उन पर गोली चलाए बगैर रहेगा तो उसे हमले का शिकार होना पड़ेगा, इसलिए उसे अपने बचाव के लिए उन पर गोली चलाना पड़ेगा, उसमें बच्चे मरे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे RPD का अधिकार कंप्लीटली इंडियन पेनल कोड की 106 ने पूर्ण रूप से दिया गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि एबिटमेंट के बारे में बताऊं, एंड कभी भी कोई क्वेरी हो तो ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में संपर्क करें, एंड थैंक यू सो मच।